जी वेवर, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ BS 121 के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन एंड ग्रोइंग अप इन अ डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। तो इससे पहले कि हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। वाइल यू गैन सब्सक्राइब माई चैनल एट दैट पार्टिकुलर टाइम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू क्लिक ऑन द आल सॉरी आ बेल आइकन सो दैट यू गेट माई नोटिफिकेशन ऑफ अपलोडेड वीडियो डायरेक्टली। सो आज हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे। पहले मीनिंग्स, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी एक चीज़ की मीनिंग को कहना। सोशलाइजेशन, माशरियत। अब ये क्या है इंग्लिश में? माशरत का ये मतलब होता है किसी भी ग्रुप में रहना, या लिविंग इन अ ग्रुप, लिविंग इन अ कम्युनिटी, लिविंग इन अ रेंज क्लास, लिविंग इन अ सोसाइटी। सो इसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो दूसरा जो इसका है, ग्रोइंग अप इन अ डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, यानी पूरा अगर हम देखें कि माशरत और इसका जो है वो क्या बोलते हैं कि बढ़ना, यानी कि मुख्तलिफ इबारत में बढ़ना, तो ऐसे हम कह सकते हैं, यानी कि माशरत और इसका मुख्तलिफ इबारत में बढ़ना। किसका? यानी माशरत का मुख्तलिफ इबारत में बढ़ना, माशरत और माशरत का मुख्तलिफ इबारत में बढ़ना, ये कैसे बढ़ती है, तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन को, तो डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन दो तरीकों से होती है, एक आपकी ऑर्गेनिक सेपरेट और दूसरा आपका सोशल सेपरेट, यानी कि समाजी रूह और जिस्मानी रूह। अब समाजी रूह क्या है? समाजी रूह वो वाली होती है जहाँ समाज में आपकी जो है वो डेवलपमेंट होती है, आपकी जो है माशरियत बढ़ती है, आपका रहन सहन बढ़ता है, आपका बात करना बढ़ता है। और दूसरा है ऑर्गेनिक, इसमें फिजिकल बॉडी बढ़ती है, यानी आप मोटे हो जाते हो, लंबे होने स्टार्ट हो जाते हो, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। तो इसके कुछ और भी डेवलपमेंट हैं, जैसे हम सबसे पहले इन्फेंसी को लें, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ह्यूमन बॉडी की। तो इन्फेंसी में क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम बर्थ अप टू द 2 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ दैट चाइल्ड, जो भी बच्चा हो वो, यानी कि बर्थ से लेकर या उसके जन्म से लेकर उसके 2 सालों तक ये इन्फेंसी रहता है। तो इसमें वो डिपेंडेंट रहता है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स पे। अगर कोई उसको उठाए तो वो उठ सकता है, अगर कोई उसको खिलाए तो खा सकता है, अदरवाइज वो बेचारा रोता ही रहता है। और इसमें दूसरी हमारी जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 6 to 12, यानी फ्रॉम द एज ऑफ 6 ईयर अप टू द एज ऑफ 12 ईयर, ये जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, वो कुछ इसको आप स्कूल भेजते हैं, यहाँ पे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं और बच्चा यहाँ पे स्कूल जाता है, कुछ डर सा उसको होता है स्कूल जाने में और अनविलिंगली उसको जो है वो स्कूल जाना पड़ता है। अगर आपने, आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जो है वो 7 एजेस पढ़ा होगा शेक्सपियर का। सिमिलरली ये अगर आप इसको ऐसे भी वो जो है वो 7 एजेस इसमें आप डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि उसने कहा है वो हम थोड़ी देर के बाद उस पर बात करेंगे। तो इसमें फिर हमारी जो है अर्ली चाइल्डहुड की बात हमारी हुई, तो फिर हमारा जो है वो लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो अनबेस्ड क्वेश्चन हो, जिनका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। जैसे वो ऐसे पूछता है कि आसमान कहाँ पे है, आसमान पे तारे कैसे आते हैं, सूरज क्यों निकलता है, चांद में रोशनी क्यों होती है, चांद जो है वो ज़मीन पे क्यों नहीं आता है, हम ऊपर आसमान में क्यों नहीं उड़ सकते हैं,
जो बर्ड्स हैं वो कैसे उड़ते हैं, लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देना काफी मुश्किल है क्योंकि उनकी उसका जो दिमाग है वो कम मैच्योर होता है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस करता है। कभी कभार ऐसे बोलता है कि हम बोलते क्यों है, हम सोते क्यों है, हम खाते क्यों है, लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर हमारा जो है लेटर चाइल्डहुड, जो मैंने बोला कि वो 13 से 16 तक, 13 से 18 तक चलता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो जो है इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, अपने तस्मे खुद बांधता है और स्कूल जाता है, और कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर क्या करता है वो खेलना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पे उसकी मोरल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। मोरल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है कि वो बॉल फेंकता है और फिर उसको कैच करने की कोशिश करता है, यानी अपने आप को वो जो है एक रोटेशन में रखना चाहता है, एक उसकी जो है वो मूविंग पावर आ जाती है। तो फिर हमारा जो है एडोलिसेंट, ये आपको 18 से सॉरी ये 13 से 18 तक, और चाइल्डहुड 16 से 12 तक, और अर्ली चाइल्डहुड 13 से 18 तक, ये 18 के ऑनवर्ड है। और इस एडोलिसेंट में वो थोड़ा उसकी जो वो मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ जाती है, उसकी फिजिकल पावर भी बढ़ जाती है, यहाँ पे वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसमें जो है वो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर वो जो है मतलब अपने आप को थोड़ा जो है वो कॉन्फिडेंशियल समझता है, कॉन्फिडेंस बनाता है, और ये आपकी लास्ट स्टेज है एडल्टहुड। तो ये आपको अप टू द एंड ऑफ योर लाइफ चलती है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इसमें आप शादी करते हैं, फिर आपके बच्चे पालने होते हैं, और फिर आप जो है उनको पढ़ाना होता है, फिर अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना पड़ता है, जो आपकी मिसेज होती है उसकी पर्सनालिटी पे ध्यान देना होता है। तो ये इवन के ये एडल्टहुड जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो पीरियड होता है लाइफ में, और इसमें ये जो है बहुत सारे जो है मेंटल फटीग्स होती हैं, मेंटल प्रेशर्स होता है, फिजिकल ग्रोथ कभी कभार रुक जाती है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ योर बॉडी। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी एज है जिंदगी में, और ये लास्ट एज है, यहाँ पे हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं 7 एजेस ऑफ जो है वो शेक्सपियर्स की, उसने फर्स्ट एज में इन्फेंसी बोला है, सेकंड एज में उसने जो है ये बोला है थोड़ा बड़ा हो जाता है और अनविलिंगली स्कूल जाता है, और थर्ड एज में उसने कहा कि वो एक स्कूल बॉय होता है और एक लवर होता है, और जो है फोर्थ एज में उसने कहा है थोड़ा मैच्योर होता है, सिक्स एज में उसने कहा है कि वो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, और सेवन्थ एज में उसने ये कहा कि वो फिर चाइल्डहुड को एक्वायर करता है, क्योंकि वो सेवन्थ एज में फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो फिर चाइल्डहुड में आ जाता है। तो ये 7 स्टेजेस ऑफ जो है वो थी, 7 एजेस ऑफ ह्यूमन थी वहाँ पे, या 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन जो शेक्सपियर ने लिखा था, वो एक पार्ट था किसी ड्रामे का जो शायद पहले हुआ करता था इसमें, यानी कि बैचलर डिग्री में हुआ करता था जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, तो बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा होगा, तो इसलिए ये डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन भी उसी का एक पार्ट है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।